Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to a new vlog. वक्त के साथ कैसे उमा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है और अभी मैं खुद का ही 6 महीने पहले का वीडियो चला के कभी देखती हूँ ना तो मुझे लगता है ओ माय गॉड उमा कितनी बड़ी हो गई है. ऑफिस से आके ही सौरभ कह रहा है तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं थोड़ा फ्रेश होके चेंज कर लूँगा, उसके बाद हम दोनों निकलेंगे. तो फिर मुझे अभी तैयार होना होगा. हम लोग ना अभी बाहर डिनर करने जाएंगे. सौरभ को बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा खाने का मन है तो हम लोग आज पिज्ज़ा खाएंगे. मैं सोच रही हूँ ये वाला टॉप पहन लूँ, इसके साथ हाँ ये वाला जीन्स पहन लूँगी और ये वाला हुडी या जैकेट भी कह सकता हूँ ये पहन लूंगी ऊपर. मामा ओखाने डैडू डैडू ओखाने डैडू मामा उन कोरे ना, मैं तो बाद में रेडी हो जाऊंगी, पहले इसको मुझे रेडी करना पड़ेगा. गुंडी बदमाश ये वाला हुडी तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा व्लॉग में मुझे पहने हुए, पर ये ना ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कि मैंने लिया है. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसमें पॉकेट नहीं है. हुडी में सामने पॉकेट होता है ना तो थोड़ा आसानी हो जाता है कीज़ वगैरह या मोबाइल रखने के लिए. और इसके साथ ये है, ये टोपी है, ये अच्छी बात है कि हल्की हल्की ठंडी में भी कभी कभी चाहिए होता है. ये रियो ब्रांड का है जो लुलू में होता है ना, लियो ब्रांड वहाँ से. और ये ना सिर्फ 2 ही था, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये मिल गया वहाँ पे और नहीं था, सारा सोल्ड आउट हो गया था, सिर्फ लास्ट 2 पीस था और मुझे ना ये सिर्फ 30 दिरहम में मिला है. यहाँ पे जो ये बेड साइड चेस्ट ऑफ ड्रॉयर है ना छोटा सा, इसको बेड साइड टेबल भी कहते हैं, तो इसको ना बार बार उमा ओपन कर लेती थी और मैं सोच रही थी कि इसमें लॉक लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको लॉक लगाऊंगी ना तो ये फर्नीचर स्पॉइल हो जाएगा, कितने दिन तक वो और बदमाशी करेगी, उससे अच्छा मैं ना इसको ऐसे घुमा देती हूँ बेड की तरफ तो वो ड्रॉयर ओपन नहीं कर पाएगी. और ये काफ़ी हैवी है तो वो इसे हटा भी नहीं सकती, जब हमें चाहिए होगा थोड़ा सा हटा के हम लोग चीज़ें निकाल लेंगे और ऐसे ही इसको रखते हैं. वैसे अभी तो इधर उमा का ये क्रिब है ना, जब ये क्रिब यहाँ पे नहीं रहेगा तब ये वहाँ चला जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे रखा है और बेड के उस तरफ भी स्पेस है उतरने के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगी सौरभ को भी. वैसे भी सौरभ यहाँ पे सोता है और हम दोनों तो उस रूम में. आज ना हम लोग वही पिज्ज़ा हट में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने उमा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था. तो जब हम ये घर पे नए नए शिफ्ट हुए थे ना तब इस पिज़्ज़ा हट में मोस्टली हम लोग रात को जाते थे और ये ना 24 आवर्स ओपन है, तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात के 12 बज जाते थे उसके बाद हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने आते थे. आज पिज़्ज़ा हट में काफ़ी क्राउड है क्योंकि आज बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है. उमा यहाँ पे ये फोक को लेके खेल रही है और मैं ध्यान रख रही थी ताकि कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए. बच्चे तो ज़िद करते हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं चाहते हुए भी उन्हें देना पड़ता है. मैं उसे ये फोक नहीं देना चाहती थी लेकिन वो बहुत ज़िद कर रही थी. फिर सौरभ अभी उसको थोड़ा सा बहला रहा है ताकि ये फोक दे दे, लेकिन ये बहुत चालाक है, ये फोक नहीं छोड़ेगी, ये गोदी से उतरना चाहती है. और ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा. एक था चिकन सुपर सुप्रीम पिज़्ज़ा और दूसरा था पाइनएप्पल वाला पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा आना नहीं चाह रहा.
पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा के बारे में मैं और क्या बोलूं। यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे और सौरभ को बहुत ही पसंद है। हमारे ना जाने कितने सारे व्लॉग्स में हमने दिखाया है कि हम लोग पिज़्ज़ा हट में जाके पिज़्ज़ा खा रहे हैं। आज हमने उमा को बेबी सीट में नहीं बैठाया, हम दोनों के बीच में उमा को बिठाया है, क्योंकि जो एक नॉर्मल चेयर आता है ना, थोड़ा सोफ़ा वाला, वो वाला चेयर था, तो इसीलिए हम दोनों के बीच में उसको बिठा दिया। और सौरभ ना यहाँ से पिज़्ज़ा से थोड़ा सा चिकन लेके उसको क्रश करके खिला रहा है। थोड़ा थोड़ा हम जो भी खाते हैं ना, हमेशा उमा को खिलाते हैं। बाय वन गेट वन ऑफ़र था, तो एक पिज़्ज़ा के साथ दूसरा वाला पिज़्ज़ा हमको फ्री में मिला। एक का ही पेमेंट किया सिर्फ हमने, और साथ में हमने एक फ्रूट जूस भी लिया था, वो ऑरेंज जूस था। पर इतना पिज़्ज़ा हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, किसी तरह यहाँ तक ख़त्म हुआ है, बाकी का हम लोग पैक कर लेंगे। बहुत देर से उमा हम दोनों के बीच में बैठी थी, कभी वो खड़ी होके देख रही थी आसपास, लेकिन वो कहीं पे जाए और वहाँ पे वो थोड़ी देर ना चले, ये कैसे हो सकता है। अभी सौरभ ने उसे नीचे छोड़ दिया है चलने के लिए और वो बहुत खुश हो गई है। पर अचानक से ना कोई सामने से आ गया, और जैसे होते हैं नॉर्मली लोग बच्चे को देख के थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, सब चाहते हैं बच्चे को थोड़ा सा प्यार करना, पर उनको देख के ना उमा थोड़ी सी घबरा गई। यहाँ पे हर तरफ बहुत सारे लोग हैं, पर कोई तो उमा को अटेंशन नहीं दे रहा है ना, तो वो उसके लिए सही है, लेकिन कोई उसको अगर अटेंशन दे दे, उसको छूने की कोशिश करे, तब वो एकदम अलर्ट हो जाती है और भाग के एकदम हमारे पास आ जाती है। तो वो एक बार सौरभ के पास जा रही है, थोड़ा सा सौरभ को होल्ड कर रही है, फिर देख रही है कोई नहीं तो आ रहा है ना मेरे पास, तो फिर वो जाके चल रही है, ऐसा ही उसका चलता रहता है। जो बाकी का पिज्जा था वो हमने पैक भी करा लिया है, जूस भी खत्म कर लिया है, अभी हम लोग जाएंगे घर की तरफ। सो गाइस, आज का ये व्लॉग बस यही तक, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।